तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में, वेलकम इन मास्टरमाइंड 2.0 में। तो दोस्तों, मैं हमेशा ये वीडियो बनाते रहता हूँ लेकिन हमेशा ये प्रॉब्लम आप लोगों का सॉल्व होता नहीं है। बार बार मुझे कमेंट आते हैं कि छोटे बच्चे का जो फ्लाइट टिकट है उसका जो फेयर है वो कितना है। तो मैं दोस्तों यही आज इस थंबनेल में आपने देखा होगा कि 12 साल से जो नीचे का बच्चे हैं उसका अगर फ्लाइट में हम टिकट लेने जाते हैं तो उनका कितना फेयर लगता है। दोस्तों ये पूरा आपको कन्फर्म कर दूंगा और एडल्ट का भी आपको बता दूंगा कि एडल्ट और बच्चे के साथ कितने जा सकते हैं, ये भी मैं बता दूंगा दोस्तों। और बच्चे के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए आपको वहां पर एयरपोर्ट पर दिखाने के लिए, ये भी आपको दोस्तों बता दूंगा। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो पर बने रहिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर दे दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो पर बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है और आपका एक लाइक के लिए हम इतना वीडियो आपको बनाते हैं। तो कम से कम हमें सब्सक्राइब ना करें तो ठीक है, कम से कम लाइक एक हमें वीडियो पर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए वीडियो को बढ़ाते हैं, आगे ले चलते हैं, आपको बताते हैं पूरा न्यूज। देखिए दोस्तों, सबसे पहले 12 साल से नीचे का जो बच्चा है उसमें तीन कैटेगरी में एयरलाइंस ने बांटा है, ठीक है। उस कैटेगरी की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो बांटा है कि 7 दिन से लेकर 2 साल तक बच्चे का, एक कैटेगरी आपने एयरलाइंस ने बताया है, बना दिया है फेयर इसका। मतलब 7 दिन से 2 साल का जो बच्चा है उसका फेयर अलग लगेगा और 2 साल से लेकर जो बारह साल तक जो बच्चा है उसका फेयर अलग लगेगा और 12 साल से जो ऊपर है वो एडल्ट में आ रहे हैं उनका फेयर कितना लगेगा ये बता देता हूँ। तो तीनों का मैं कैटेगरी आपको बता देता हूँ। तो एयरलाइंस ने ये कैटेगरी क्यों निकाली है दोस्तों, आप सुन के भी दंग रह जाओगे। क्योंकि बता दूं, 7 दिन से 2 साल का अगर नीचे का बच्चा है, 7 दिन से 2 साल तक नीचे आपका बच्चा है तो वहाँ पर टिकट का प्राइस, इंडिगो का आपका प्राइस बता देता हूँ, 1500 रुपये वहाँ पर फिक्स है। 1500 रुपये आपको देना ही देना पड़ेगा। आपका 7 दिन से 2 साल तक बच्चा है तो वहाँ पर 1500 रुपये आपको पे करना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद आ जाता है 2 साल से 12 साल तक बच्चे का। इंडियन रेलवे वाला यहाँ पे नहीं है कि 2 साल से 5 साल तक बच्चे का, वो नहीं है दोस्तों यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे एयरलाइंस की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 2 साल से 12 साल तक बच्चा है तो यहाँ पे आपको बता दूँ, यहाँ पे उसका जितना भी एडल्ट का टिकट लगता है यहाँ पे आपको फुल पैसा देना पड़ेगा। कोई भी मतलब एयरलाइंस का आपको यहाँ पे पूरा पैसा पे करवाती है, जितना एडल्ट का लगता है उतना आपको 2 साल से 12 साल का बच्चा है तो यहाँ पे पूरा पैसा लगता है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता दोस्तों कि एयरलाइंस ने 2 साल से 12 साल वाले कैटेगरी क्यों लागू किया है, जब जानता है कि एडल्ट का ही पैसा लगना है तो ये कैटेगरी क्यों किया है। कुछ तो इसमें डिस्काउंट देना चाहिए था। आपको क्या राय है आप कमेंट में मुझे जरूर बता सकते हैं। जब 2 साल से 12 साल का बच्चे का फुल टिकट लग रहा है और एडल्ट का भी फुल लग रहा है तो एक कैटेगरी नहीं बनानी चाहिए थी, डायरेक्ट बोल देना था 2 साल से ऊपर के बच्चे का फुल टिकट लगेगा यहाँ पे। और दोस्तों यहां बता दूं, 2 साल से 12 साल तक बच्चे हैं अगर उसका टिकट लेते हैं तो फुल पैसे जब लगते हैं तो वहां पे आपको फुल मतलब सीट भी अवेलेबल कराई जाती है। ऐसा नहीं है कि नहीं सीट आपको अवेलेबल कराई जाती है, सीट अवेलेबल कराई जाती है, लेकिन वहीं 7 दिन से लेकर 2 साल तक बच्चा आपका है तो वहां पर आपको सीट अवेलेबल नहीं कराई जाती है। एक पेरेंट्स के साथ ही आपको एक बच्चा ही ले जाने के लिए अलाउ है। अगर आप चाह रहे हो कि एक आपकी माँ आपकी जा रही है, सपोर्टेड मान लीजिए आपकी वाइफ हो सकती है या तो माँ हो सकती है, तो 2 साल से नीचे आप उनके पास 2 बच्चा है, एक बच्चा 1 साल का है, दूसरा बच्चा 1.5 साल का है या 2 साल का है। अगर एक ही एडल्ट जा रहा है और उनके साथ 2 बच्चे जा रहे हैं तो ये पॉसिबल नहीं होगा, यहाँ पे आपको फेयर नहीं लगेगा। एक एडल्ट के साथ एक ही, मतलब ऐसा नहीं कि 1500 रुपये जो दोनों बच्चे का देके 3000 रुपये देके आपको दोनों बच्चों के साथ सफ़र कर सकते हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। एक एडल्ट के साथ आपको जो 7 दिन से 2 साल का बच्चा है वो एक ही पर्सन पर एक पर्सन ही जा सकता है। अगर हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं तब 2 बच्चे आपको अलाउ वहां पे हैं, आप 2 बच्चे को लेकर जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन 1500 रुपये पे करने के बाद 2 साल से ऊपर वाले बच्चे का 12 साल तक बता ही दिया, जो एडल्ट का लगता है वो फुल टिकट आपको वहाँ पे देना पड़ेगा और वहाँ पे सीट भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। और उसके 2 साल से ऊपर का जो बच्चा है उसके लिए भी लगेज का जो वो है, जो लगेज का नियम है, रूल्स है, वो सेम जो एडल्ट पे लागू होता है तो उस पर आपको वही चीज़ वहाँ भी लागू होगा। अगर इसके बारे में नहीं पता है लगेज के बारे में कि क्यों कितना किसको लगेज लेके जाना है तो आप इस वीडियो में मुझे कमेंट नीचे कर दीजिएगा, उसको मैं बता दूंगा कि कितना आपको लेके जाना है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों बड़े लोगों का जो वो है, अब बच्चे लोगों का डॉक्यूमेंटेशन की बात किया था दोस्तों, तो मैं यहाँ पर बता दूँ बच्चे का डॉक्यूमेंटेशन 7 साल से लेकर 2 साल तक बच्चे का है उसका अगर डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, डॉक्यूमेंट आपको वहाँ दिखाना है तो आपको जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, या तो आधार कार्ड होना चाहिए या
था, तो कुछ जो हॉस्पिटल में जो बच्चे मतलब जन्म लेते हैं तो उनका एक सर्टिफिकेट होता है, वो वहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा ताकि आपको बता सके कि बच्चा हमारा 7 दिन से लेकर 2 साल तक बच्चा ही मतलब है। अगर वीडियो आपको समझ में आया हो तो वीडियो यहाँ तक आपको अच्छा लग रहा होगा, आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आप ज़रूर नीचे कमेंट करके मुझे बताइए कि कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर ये टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स वॉचिंग फॉर माई वीडियो, थैंक यू।